आज हम बात करेंगे गुजरे जमाने की जानी मानी अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर की। 11 अक्टूबर 1916 को जन्मी मीनाक्षी शिरोडकर ने फिल्मों के अलावा थिएटर और टेलीविजन में भी काम किया था। कुछ एक तमिल तेलुगु फिल्में भी उन्होंने की थी। फिल्मों में उनका सफर 1938 में शुरू हुआ और 70 के दशक तक उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। मीनाक्षी ने कम उम्र से ही भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था। फिल्मों में आने से पहले 1935 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के नाटकों में काम किया। इस बीच उन्हें पांडुरंग नाइक से एक फिल्म की पेशकश मिली, जो हंस पिक्चर्स नामक एक फिल्म कंपनी के भागीदारों में से एक थी। हालांकि मीनाक्षी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन पांडुरंग नाइक ने कहा कि उनको फिल्मों में आना चाहिए। मीनाक्षी के फिल्मी जीवन की शुरुआत 1938 की मराठी फिल्म ब्रह्मचारी से हुई। इस फिल्म के निर्देशक और नायक मास्टर विनायक थे। मास्टर विनायक भारतीय फिल्म उद्योग में कई हस्तियों से संबंधित थे। उनके भाई वासुदेव कर्नाटकी एक छायाकार थे, जबकि उनके सौतेले भाई बाबूराव पेंढारकर एक प्रशंसित अभिनेता बने। वो महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम के मामा थे। मास्टर विनायक अभिनेत्री नंदा के पिता थे। मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने ही लता मंगेशकर का फिल्मी जीवन से परिचय करवाया और अपनी फिल्म पहले मंगला गौर में लेकर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पेश किया। कोंकणी परिवार में जन्मी मीनाक्षी का नाम रतन पेडनेकर था। जब उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी में अभिनय शुरू किया, तभी फिल्म के लेखक प्रहलाद केशव अत्रे, जिन्हें आचार्य अत्रे के नाम से जाना जाता है, ने उनकी बड़ी बड़ी आंखों के अनुरूप उनका नाम रतन से बदलकर मीनाक्षी कर दिया। अतीत के उस दौर में सिंपल वन पीस स्विम सूट को भी बोल्ड माना जाता था, लेकिन अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर ने 1938 में ब्रह्मचारी फिल्म के एक गाने में भारतीय सिनेमा में पहला स्विम सूट सीन दिया। फिल्म के एक गाने यमुना जली खेलू खेल में मीनाक्षी ने स्विमिंग सूट में दिखाई देकर हलचल मचा दी और पारंपरिक दर्शकों को चौंका दिया था। इस गाने में वो अभिनेता मास्टर विनायक को रिझाने की कोशिश करती हैं। हालांकि इससे उन्हें प्रसिद्धि मिली, लेकिन उनकी कड़ी आलोचना भी हुई। इस गाने को मीनाक्षी शिरोडकर ने खुद गाया था और वो गाना हिट भी हुआ था। मास्टर विनायक के साथ उन्होंने और भी कई फिल्में की। 1950 के बाद मीनाक्षी शिरोडकर फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाने लगी। इस बीच वो नूतन संगीत नाटक मंडली के साथ मराठी रंगमंच से जुड़ी रही। 1950 से 1975 की अवधि के दौरान उन्होंने करीब 12 संगीत नाटक में काम किया, जिनमें मृच्छ कटिक, संशय कल्लोल, सुभद्रा, माणा पमाण, भाव बंधन, एकच प्याला, उदयाचा संसार आदि शामिल हैं। मीनाक्षी ने 1936 में डॉक्टर शिरोडकर से शादी की, जिनके साथ उनका एक बेटा था। बॉलीवुड अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर और शिल्पा शिरोडकर उनकी पोतियां हैं। 3 जून 1997 को मीनाक्षी शिरोडकर ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।